चले पुर वैया, ऐसे कुछ जाता है जी। श्रेया घोषाल ने गाया है इस वुमन वॉइस, बट आमिर को बहुत पसंद है और अच्छा भी गाते हैं। लेकिन आमिर, लोग जानना ये चाहते हैं कि आमिर अब नेक्स्ट कब हमें ऑन स्क्रीन दिखाई देंगे, और वो हम जानने के लिए बेताब हैं। तो नेक्स्ट आमिर हमें कब ऑन स्क्रीन दिखाई देने वाले हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, क्या पाइपलाइन में है? देखिए, अगली जो मेरी फिल्म आएगी एज अ लीड एक्टर, उसको तो जिसकी शूटिंग अभी शुरू हुई, उसका नाम है सितारे जमी पर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के आखिर में क्रिसमस तक हम उसको रिलीज़ करें। बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी, तो उसकी शूटिंग इस वक्त चल रही है। उसके अलावा आप मुझे उससे पहले देख पाएंगे, नॉट एज अ लीड एक्टर इन अ फिल्म, बट दो तीन अलग अलग चीज़ें मैं कर रहा हूँ, देखते हैं आपको कैसे लगता है। तो इसमें भी आप लीड रोल में नहीं दिखाई देंगे, तो लीड रोल में हमें नेक्स्ट कब दिखाई देंगे? बिकॉज पीपल वॉन्ट टू नो, आमिर द सुपरस्टार, आपने बहुत लंबा लगता है कि वो आप अपना समय लेते हैं, आई नो इट्स वेरी ऑर्गेनिक फॉर यू, बट स्टिल नेक्स्ट कब फुल फ्लेजर्ड हम सुपरस्टार आमिर खान को स्क्रीन पर देखेंगे? फुल फ्लेजेस जो काम फिल्म कर रहा हूँ मैं, उसका नाम है सितारे जमी पर, जो इस साल के आखिर में आएगी होपफुली बाय डिसम्बर क्रिसमस। बट उसके अलावा मैं एक दो छोटे रोल कर रहा हूँ जो आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मैंने फिल्म प्रोड्यूस की है अति सुंदर, वो उसमें एक छोटा सा मैंने कैमियो किया है, वो दो तीन महीने में या छः महीने में वो आ जाएगा, बट लीड रोल विल बी सितारे जमी पर। आमिर, हम क्योंकि यहाँ आज जब मौजूद हैं तो हम बट योर नेक्स्ट फिल्म में, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरे लिए जो मेरी जब फिल्म होती है, मैं किसी भी फिल्म के साथ जब मैं जुड़ता हूँ तो उसमें मैं चाहे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या प्रोड्यूस कर रहा हूँ या किसी तरीके से भी मैं अगर फिल्म में जुड़ा हूँ तो वो फिर वो मेरी फिल्म हो जाती है।